प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे पर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी ट्रांसफर की। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसान की चिंता समझती है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। राजस्थान दौरे पर सीकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम मोदी ने सीकर में पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। सीकर में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार किसानों की चिंता समझती है। केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और बीते 9 साल में उनके हित में कई फैसले लिए हैं। बीज से बाजार तक किसानों के हित में काम किया है। आज देश के किसानों को पीएम किसान समृद्धि के तहत 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र शुरू हो गए हैं। ब्लॉक और गांव स्तर पर पीएम KSY केंद्रों से किसानों को लाभ होगा। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। हमने यूक्रेन युद्ध और कोरोना संकट का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया। यूरिया की एक बोरी भारत में 266 रुपए में मिलती है, वही बोरी पाकिस्तान में 800 रुपए में मिलती है और बांग्लादेश में 720 रुपए में मिलती है। पानी की कमी के बावजूद यहाँ किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। सीकर में पीएम मोदी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वीरों की भूमि शेखावाटी से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। उन्होंने यहां के किसानों की तारीफ की और कहा कि शेखावाटी के किसानों ने यह साबित कर दिया कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। पानी की किल्लत के बावजूद इस क्षेत्र के किसान अन्न की रिकॉर्ड पैदावार करते हैं। ये साबित करता है कि उन्हें मिट्टी से सोना निकालना आता है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्यालय तिवरी जोधपुर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। पीएम मोदी ने जनसभा में बोलते हुए कहा कि आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो।
सीकर से अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया।